आप बिजनेस ओनर हो या प्रोफेशनल और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखना चाहते, तो अभी तक इसका प्रावधान था कि एज बिंग द बिजनेस ओनर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है और एज बिंग द प्रोफेशनल आपका ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख का है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है बिजनेस में। या तो आप मिनिमम 6% या 8% का इनकम डिक्लेयर कर दो, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो टोटल ग्रॉस रिसीट का 50% इनकम डिक्लेयर कर दो। इस प्रोविजन को चेंज किया गया है और इस बजट में इस प्रोविजन को चेंज करके 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है, और वहीं पर प्रोफेशनल का 50 लाख से रिसीट को बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम देखते हैं कि इस बजट में प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर को क्या क्या चेंज किया गया है। सबसे पहला, अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना चाहते हो तो आपके पास इनकम टैक्स में एक प्रिजम्पशन इनकम ऑप्ट करने का ऑप्शन है, जहां पर अभी तक ये था कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ का है तो आप प्रिजम्पशन इनकम ऑप्ट कर लें और मिनिमम आपको या तो 6% या 8% इनकम डिस्क्लोज कर दो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इट मींस अगर मेरा इनकम 2 करोड़ का है, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या रिटेल का हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या शॉपकीपर हूँ, तो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ का या मैं 6% या 8%, अभी मैं बताता हूँ 6 और 8 पर क्या मतलब है। तो अगर मैंने 8% डिस्क्लोज कर दिया, इट मींस अगर मैंने 2 करोड़ का 8% डिस्क्लोज कर देता हूँ 16 लाख, और 16 लाख के ऊपर मैं टैक्स दे देता हूँ तो मेरे ऊपर ना कोई स्क्रूटनी आएगा, ना मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। लेकिन क्या हर बिजनेस में 8% का अमाउंट नेट प्रॉफिट होता है? ऑलमोस्ट नहीं। अगर आप होलसेल डीलर हो या रिटेल में हो तो हो सकता है आपका ग्रॉस मार्जिन ही 6% 8% 9% या 10% होता है। फिर आपका दुकान का रेंट है, स्टाफ है और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जहाँ पर आपका नेट इनकम 3, 4 या 2% से ज़्यादा नहीं होता है। सो इस प्रिजम्पशन इनकम को ऑप्ट करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, और आज हम ये भी देखेंगे कि बजट में क्या क्या चेंज किया गया। जो मैं पहले आपको 6 और 8% के बारे में बात कर रहा था, अगर सारा पैसा आपको बैंक अकाउंट में आता है या UPI के थ्रू आता है या किसी वैलेट में आता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द 6%। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और तरीके से आता है, जिससे कैश में आपको पैसा आ गया, तो इस केस में आप 6% ऑप्ट नहीं करके 8% ऑप्ट करते हो। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, अगर मेरा टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ का है और 1 करोड़ मेरे बैंक में आता है और 50 लाख रुपीज मेरे को कैश में मिलता है, तो 1 करोड़ को मैं मिनिमम 6% दिखा सकता हूँ और 50 लाख को मैं मिनिमम 8% दिखा सकता हूँ। तो इसके ऊपर जो भी पैसा निकल के आएगा वो मेरा टैक्सेबल इनकम होगा और उसके ऊपर मैं टैक्स दे दूंगा। लेकिन होलसेल के बिजनेस में जनरली ग्रॉस मार्जिन ही 2% होता है, तो इस केस में कहता है अगर आप 6 और 8% ऑफ नहीं करना चाहते हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करो और CSA सर्टिफाई कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये इनकम टैक्स कहता है। तो अगर आपका मार्जिन 6 या 8% से ज़्यादा है तो आप प्रिजम्पशन को ऑप्ट करें, अदरवाइज आप बुक्स को मेंटेन करें और CSA ऑडिट कराएं। इसी तरीके से प्रोफेशनल के केस में, प्रोफेशनल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर वो इंसान को प्रोफेशनल के कैटेगरी में रखा गया, जहां पर ये बोला गया था कि टोटल साल भर का रिसीट अगर आपका 50 लाख या उससे कम है तो आप प्रिजम्पशन इनकम को ऑप्ट कर सकते हो और अपने इनकम को 50% कंसिडर करते हुए आप टैक्स दे दो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब मेरे पूरे साल भर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 40 लाख रुपीज़ का है, तो मैं 40 लाख डिवाइडेड बाई 2 या 50% मतलब 20 लाख रुपया मैं टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर मुझे जो भी टैक्स देना है मैं दे दूंगा। अब इन बिजनेस और प्रोफेशन में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, आप 6% ऑप्ट करते हो, 8% या 50%, आपको इन तीनों में याद रखना, ना आपको कोई डिप्रिसिएशन मिलेगा, ना आपको कोई और भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर मिलेगा, ना किसी स्टाफ की सैलरी का एक्सपेंडिचर मिलेगा। रीजन कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जब मैं आपको 50% या
8% या 6% कर रहा हो, तो इट एज्यूम्ड कि सारे डिडक्शन को, सारे बेनिफिट को दे दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है, जो आप एटीसी में इन्वेस्ट करते हो उसका बेनिफिट मिलता है, अगर आपका हाउसिंग लोन है उसका बेनिफिट मिलता है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका बेनिफिट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे इस बजट में क्या चेंज हुआ है। इस बजट में कहा गया है कि 2 करोड़ के टर्नओवर को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है और 50 लाख के ग्रॉस रिसीट को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। ये सुन के आप एज बीइंग द बिजनेस ओनर थोड़ा सा खुश हो गए, एज बीइंग द प्रोफेशनल आप थोड़ा खुश हो गए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने यहीं पर एक प्रोविजन लगा दिया है, एक क्लॉज लगा दिया है। उनका ये कहना है 3 करोड़ तक टर्नओवर एक्सेप्टेबल है, 75 लाख तक का ग्रॉस रिसीट एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका टोटल इनकम का या टोटल रिसीट का कैश का इनकम सिर्फ 5% होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपका 3 करोड़ का टर्नओवर है तो 3 करोड़ का 5% होता है सिर्फ 15 लाख रुपया, कि टोटल पूरे साल भर में 15 लाख से ज़्यादा कैश का इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 15 लाख से ज़्यादा कैश का इनकम है तो आप प्रिजम्पशन को 3 करोड़ के ऊपर में ऑप्ट नहीं कर सकते। 2 करोड़ तक में आप ऑप्ट कर सकते हो, 3 करोड़ तक में ऑप्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स आपको CSA ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका ग्रॉस रिसीट 75 लाख है, लेकिन इसमें अगर आपका 75 लाख में 12 लाख 15 लाख या 20 लाख कैश रिसीट है तो अगेन आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लिमिट को तो एक्सटेंड किया है, लेकिन एक क्लॉज लगाते हुए, जो क्लॉज अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में आज के डेट पर अगर ये बोला जाए कि 5% कैश रिसीव होता है, बहुत रेयर बिजनेस होगा जहां पर कैश रिसीट नहीं होता। जैसे आप किसी भी दुकान में आप जाके देख लो, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके देख लो, अगर कोई UPI पेमेंट करता है, वैलेट पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, इन स्पाइट ऑफ डैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैश में भी पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को तो बढ़ाया, लेकिन इस स्कीम का बेनिफिट काफ़ी कम लोग उठा पाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है हाथी के दांत जैसा है, दिखाने के लिए कुछ और, कहने को तो 3 करोड़ कर दिया गया, कहने को तो 75 लाख कर दिया गया, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ही कम लोग उठा पाएंगे। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. Now, दूसरी बात, अब इस चीज को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। अभी तक जो प्रिजम्पशन इनकम 2 लाख या 50 लाख का ग्रॉस रिसीट पर था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सटेंड करते हुए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है और 50 लाख के रिसीट से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है, विद क्लॉज कि अगर आपका ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस टर्नओवर 5% से ज़्यादा कैश में ना हो, अगर 5% से ज़्यादा कैश में होगा तो आपके ऊपर ये प्रिजम्पशन ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको CA से ही ऑडिट कराना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि जब भी आप कोई काम करते हो तो क्या कैश पेमेंट नहीं करते हो। मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ। एक डॉक्टर जो किसी बड़े हॉस्पिटल में रिटेनरशिप पर काम करता है तो उसको तो पूरा पैसा बैंक में मिलेगा, लेकिन वही डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम करता है तो डेफिनेटली अगर पर डे उसके यहाँ 10 पेशेंट आते हैं और 3 पेशेंट ने भी अगर कैश में दे दिया तो वो फिर इस प्रिजम्पशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। सो इस तरीके से किसी भी आप परचून की दुकान देख लो, मेडिकल शॉप का दुकान देख लो, होटल का देख लो, जहाँ पर 10, 20 या 50 कस्टमर आते हैं तो कम से कम 15 या 20 कस्टमर कैश में देखे जाते हैं। सो इस स्कीम का जो लिमिट बढ़ाया गया है तो इसमें काफ़ी कम लोग इन्वॉल्व होंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी कम लोगों का होगा। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, और 2-3 वीडियो बजट से रिलेटेड बना रखा है, न्यू सेलिब्रेट, ओल्ड सेलिब्रेट और स्टार्टअप के लिए क्या क्या बेनिफिट मिला है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखें। और बजट से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल है आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। जब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। ऑडियो जंगल।